To all my dear students, today I am going to explain you all subject GK of class 8, chapter number 32. The name of the chapter is health and body. मतलब हमारा health और body के बारे में यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से आपको क्या चीज खाना चाहिए या फिर क्या चीज नहीं खाना चाहिए या किस तरीके से आपकी activities होनी चाहिए, आपकी habit, food habit कैसी होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, आपको हेल्दी फूड ज़्यादा खाने चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहा है द राइट स्टफ, किस तरीके से राइट स्टफ होनी चाहिए। इनकरेज योर फैमिली टू कीप फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ड्राइड फ्रूट्स एट हैंड, कैरेट डायर्ड एप्रिकॉट्स एंड एप्पल्स मेक ग्रेट स्नैक एंड दे आर लोडेड विथ विटामिन। अब यहाँ बता रहा है कि आप अपने फैमिली को इंक्रीज कीजिए कि आप फ्रेश फ्रूट्स रखिए, ड्राई फ्रूट्स रखिए, अपने हाथ में ही ले रहिए ताकि आप किसी भी समय उसे खा सके, क्योंकि ये ड्राई होता है तो आप इजीली उसको लेके आप खा सकते हैं, वो आपके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, अपनी डाइटिंग पे भी ध्यान सकते हैं और प्लस अपने फैमिली को भी इंक्रेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है गो नट्स, पीनट्स एंड आलमंड्स आर इजली इजी टू ईट और ऑन द रन। अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप बहुत सारे नट्स हैं जो कि आप इजीली खाते हुए दौड़ सकते हैं और आपको उसे खाने के लिए प्रॉपर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से खा सकते हैं। दे आर हाई इन फास्ट बट सम ऑफ द फास्ट सॉरी दे आर हाई इन फैट्स, ओके इट इज फैट्स बट सम ऑफ द फैट्स इन इज एक्चुअली गुड फॉर यू। ये यहाँ फैट्स को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके फैट्स को बढ़ाते हैं तो वो अच्छे होते हैं, ठीक है। गेट कैल्शियम, मिल्क इज ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम, चीज एंड योगर्ट आर ऑल्सो गुड चॉइसेस, ओके। तो आपको कैल्शियम भी लेनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो कि मिल्क जो है बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, चीज़ है, योगर्ट है, ये सब बहुत अच्छे चॉइस हैं जो कि कैल्शियम के मतलब अच्छे सोर्स होते हैं, ओके। अब यहाँ बता रहा है मोस्ट फास्ट फूड इज फैटनिंग, इफ यू ईट एट अ फास्ट फूड प्लेस डोंट लोड अप ऑन ग्रेसिव स्टफ। अब यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो कि आपको मोटा बना सकता है, आप बैठ के एक जगह खाते हैं और खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लेते हैं, और मतलब ये ऐसे मतलब ये लोडेड ऐसे स्टफ्स होते हैं जो कि आपको आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब फैट बना सकता है। वॉच हाउ सोडा यू ड्रिंक, इट्स फुल ऑफ शुगर एंड हैज़ नो कैल्शियम और विटामिन। आप सोडा वगैरह पीते हैं, आप देख सकते हैं जो सोडा वगैरह होता है उसमें पूरा भरा हुआ होता है, क्या शुगर भरा हुआ होता है, उसमें कोई भी कैल्शियम या विटामिन नहीं होता है, तो इससे बहुत सारी हार्म्स हो सकती हैं हमारे बॉडी में। अगर हेल्थी रहना है तो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए टिप्स दिया गया है किस तरीके से आपको मतलब अपनी डेली लाइफ में इस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए। डेली आप एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं, स्टार्ट स्लोली, फिर इसे छोड़िए भी मत और हमेशा इसको एक्सरसाइज करते रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहे और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हाई तरीके से चलती रहे, ओके। In this way, chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.